हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा बी एन एम ए इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम थ्री लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फ्लैशबैक एंड व्हाट इज फॉयल एंड व्हाट इज फॉरशैडोइंग इन लिटरेचर। यूनिट थर्ड को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड में लिटरेरी टर्म्स दिए हुए हैं, तो आज हम थ्री लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे एंड यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आपको चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट में सर्च करना है बीए थर्ड सेमेस्टर, तो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हमें थ्री लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करने हैं। यू कैन सी हियर ऑन वाइट बोर्ड, सो नंबर वन फ्लैशबैक, और उसके बाद हम लोग फॉयल और फॉर शेडिंग को भी डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज गिवन इन यूनिट थर्ड लिटरेरी टर्म्स, ड्रामा में दिया हुआ है ये आपका लिटरेरी टर्म्स यूनिट थर्ड में। एंड योर पेपर नेम इज़ ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, दिस इज़ फॉर बीए पार्ट टू सेमेस्टर थ्री। ओके, तो नंबर वन स्टार्टिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज फ्लैशबैक। सो फ्लैशबैक तो आपने कई बार सुना होगा। तो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पास्ट इवेंट मेमोरीज इन अ पिक्चराइज्ड मोशन। लिटरेचर में समझते हैं कि लिटरेचर में फ्लैशबैक क्या है, व्हाट इज द फ्लैशबैक इन लिटरेचर। सो दिस इज अ टूल यूज्ड बाय राइटर्स दैट इंटरप्ट्स अ स्टोरी इन ऑर्डर टू टेक रीडर्स बैक इन टाइम टू एग्जामिन पास्ट इवेंट्स और मेमोरीज। सो इस टूल का यूज़ राइटर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है टू इंटरप्ट अ स्टोरी। इसमें जो राइटर है वो अपने रीडर्स को पास्ट इवेंट्स में ले जाता है या पास्ट की किसी मेमोरीज में ले जाता है। स्टोरी को रीडर्स रीड करता रहता है और अचानक से उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई इवेंट्स हो गया या कोई मेमोरीज हो गई उसके बारे में वहाँ पर राइटर ने मैंशन किया होता है। सो दैट इज़ द फ्लैशबैक। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वदरिंग हाइट्स, वदरिंग हाइट्स एक नॉवल है, एमिली ब्रॉन्टी ने इसको राइट किया है। इसमें कैरेक्टर है मिस्टर लॉकवुड। मिस्टर लॉकवुड ये मिस्टर हीथक्लिफ इसमें कैरेक्टर है, उनके हाउस में आता है वहाँ पे रहने के लिए रेंट पे। तो जो वहाँ का हाउस कीपर होता है उस घर का, वो मिस्टर लॉकवुड को कैथी एंड हीथक्लिफ के स्टोरी के बारे में बताता है जो पास्ट में घटित हुई थी, उनके ट्रबल्ड लव अफेयर के बारे में बताता है। तो ये है फ्लैशबैक, एक एग्जांपल हो गया फ्लैशबैक। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ में आपको फ्लैशबैक से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एक लिटरेरी टर्म है, एक टूल है जिसे राइटर यूज करता है किसी पास्ट इवेंट्स के बारे में बताने के लिए, किसी पास्ट का कोई मेमोरी हो गया, कुछ भी एनीथिंग इंसिडेंट जहाँ रीडर्स को रीड करते रहते हैं प्रेजेंट टाइम में और अचानक से पास्ट टाइम का कोई इवेंट्स वहाँ पर मैंशन किया गया होता है। तो डैट इज़ द फ्लैशबैक। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ फॉयल। फॉयल क्या है? फॉयल कैरेक्टर से रिलेटेड है, उसे भी देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज फॉयल। फॉयल आप जानते होंगे, फॉयल एक थिन मेटल सीट होती है जिसको पन्नी भी बोलते हैं, जो किसी चीज़ पे रैप करने के लिए होती है। ये फॉयल क्या करता है? किसी भी चीज़ को जैसे हाईलाइट कर देता है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, उसी तरह से लिटरेचर में भी फॉयल का यूज़ होता है। कैसे होता है फॉयल, क्या होते हैं? सो फॉयल, फॉयल्स आर कैरेक्टर्स कंट्रास्ट विथ प्रोटैगनिस्ट, समटाइम्स सेकेंडरी कैरेक्टर्स एंटागोनिस्ट एंड माइनर कैरेक्टर्स और ऑल्सो सेट अप एज फॉयल्स टू प्रोटैगनिस्ट। जैसे कि जो फॉयल होता है वो किसी चीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, हाईलाइट कर देता है, उसी तरह से फॉयल कैरेक्टर्स होते हैं। जो फॉयल्स कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कैरेक्टर्स कंट्रास्ट विथ प्रोटैगनिस्ट, जो उस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। कभी कभी फॉयल कैरेक्टर्स जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी में, या कोई एंटागोनिस्ट कहते हैं जो विलेन होता है स्टोरी का, और प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो, मेन हीरो जो होता है, मेन कैरेक्टर जो होता है उस किसी वर्क का, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं और एंटागोनिस्ट उसका अपोजिट है। तो कभी कभी जो फॉयल कैरेक्टर्स होते हैं वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी होते हैं, एंटागोनिस्ट भी होते हैं, और समटाइम्स माइनर कैरेक्टर्स भी सेटअप किए जाते हैं राइटर्स के थ्रू एज फॉयल्स टू प्रोटैगनिस्ट। और क्या पर्पज़ होता है फॉयल कैरेक्टर्स का, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फॉयल कैरेक्टर्स, या क्या फंक्शन होता है इनका, क्या काम होता है, क्या वर्क होता है? सो दे हाईलाइट एंड एम्फेसाइज कैरेक्टर्स सिम्बल्स एंड अदर नैरेटिव एलिमेंट्स। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको फॉयल्स बोला जाता है, जो कंट्रास्ट करते हैं किसी मेन हीरो को या किसी अदर कैरेक्टर्स को या किसी अदर नैरेटिव एलिमेंट्स को, तो वो उनको हाईलाइट करते हैं और उनको एम्फेसाइज करते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को, सिम्बल्स को,
इनका वर्क होता है फॉयल कैरेक्टर्स का। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन इज स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। ये एक नॉवल का नेम है, एक नॉवल है, आर एल स्टीवेंसन ने राइट किया है, विक्टोरियन राइटर थे और ये विक्टोरियन नॉवल है ये। तो इसमें टू कैरेक्टर्स हैं, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। डॉक्टर जैकिल ये रिस्पेक्टेड पर्सन है, एक विक्टोरियन जेंटलमैन है। एंड मिस्टर हाइड क्या है, मिस्टर हाइड ये एक ब्रूटिस पर्सन, एक वायलेंट पर्सन है। तो दोनों के ही अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, अपोजिट डिजायर्स हैं इनके। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज़, नेक्स्ट इज़ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। हैरी पॉटर का नाम तो आपने सुना ही होगा, हो सकती है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी हो हैरी पॉटर को। तो हैरी पॉटर एक वर्क है। तो हैरी पॉटर में ड्रैको नाम का कैरेक्टर है, तो वो फॉयल कैरेक्टर है। हैरी पॉटर का अलग क्वालिटी है, ड्रैको का अलग क्वालिटी है। तो ड्रैको इज़ हेयर फॉयल कैरेक्टर। ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी। तो एज एग्जाम्पल हमने टू एग्जाम्पल्स को समझ लिया। तो आई होप आपको भी क्लियर है फॉयल क्या होता है लिटरेचर में। फॉयल कैरेक्टर होता है जो अदर कैरेक्टर्स को हाईलाइट करते हैं, उनसे कंट्रास्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज़, वॉट इज़ फॉर शेडोइंग। सो द नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज़, वॉट इज़ फॉर शेडोइंग। ओके, सो वॉट इज़ फॉर शेडोइंग। फॉर शेडोइंग क्या है, फॉर शेडोइंग, फॉर शेडोइंग को हिंदी में कहते हैं पूर्वाभास, यानी पहले से आभास हो जाना किसी बात का, या पहले से गेस करना, अनुमान लगाना। ये तो आपने सुना ही होगा ये वर्ड। सो दिस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस होगा, मैं भूल गई राइट करना। सो दिस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज टू गिव एन हिंट और इंडिकेशन ऑफ वॉट इज़ टू कम लेटर इन स्टोरी। इस लिटरेरी डिवाइस का राइटर यूज़ करता है एक हिंट देने के लिए, या एक इंडिकेशन, कोई संकेत देने के लिए कि बाद में स्टोरी में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि इससे किसी चीज़ का खुलासा होने वाला है स्टोरी में, बट एक तरह से हिंट है, एक इंडिकेशन है, हमें एक इंडिकेशन मिलता है जिससे हम फॉरशैडोइंग कर पाते हैं, एक पूर्वाभास कर पाते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। रीडर्स को ऐसा पता लग पाता है आगे ही, पहले से ही, कि क्या होने वाला है स्टोरी में, पूर्वाभास हो जाता है उसे। एंड जो फॉरशैडोइंग है, ये टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट फॉरशैडोइंग एंड सेकेंड इनडायरेक्ट फॉरशैडोइंग। सो डायरेक्ट फॉरशैडोइंग का बेस्ट एग्जांपल है मैकबेथ। मैकबेथ ड्रामा है, आपके सिलेबस में भी दिया है जिससे आप स्टडी करेंगे। इसमें विचेस का प्रेडिक्शन होता है। ये जो ड्रामा है मैकबेथ, इसमें थ्री विचेस होती हैं जो मैकबेथ के बारे में प्रेडिक्ट करती हैं, मीन्स भविष्यवाणी करती हैं कि जो मैकबेथ है वो आगे चल के थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा और उसके बाद वो किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। तो वही प्रिडिक्ट करती हैं जिससे कि रीडर्स को एक गेस लग पाता है कि आगे स्टोरी में क्या होगा। तो ये एक डायरेक्ट फॉर शेडोइंग है। एंड नेक्स्ट मेथड्स पे आते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं जो राइटर्स यूज़ करता है इस लिटरेरी डिवाइस का लिटरेचर में। सो डायलॉग फॉर्म में, डायलॉग एक इसका मेथड है, और टाइटल, डायलॉग से भी पता लग पाता है कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। जैसे जो कैरेक्टर्स हैं नॉवल में या किसी स्टोरी में या कोई ड्रामा भी हो गया, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं कोई डायलॉग बोल रहे हैं, तो डायलॉग से उनसे पता लग पाता है कि आगे क्या स्टोरी में होने वाला है। एंड सेकेंड इज़ टाइटल, टाइटल से भी पता लग जाता है, टाइटल ऑफ ए नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी या कोई ड्रामा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर, ये एक नॉवेल है। दिस इज़ ए नॉवेल रिटन बाई एडगर एलन पोए, अमेरिकन राइटर थे एडगर एलन पोए, उन्होंने ये नॉवेल राइट करा है। तो जिस हम इस टाइटल को रीड कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर, कि किसी हाउस का फॉल है, मीन्स उसका कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस घर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। द फॉल ऑफ हाउस ऑफ असर से फिजिकल डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ उस पूरी फैमिली का भी डिस्ट्रॉय है। तो ये हमने जाना फॉरशैडोइंग के बारे में, पूर्वाभास के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने थ्री लिटरेरी टर्म्स को स्टडी कर लिया, व्हाट इज़ फ्लैशबैक, फॉयल एंड फॉरशैडोइंग। और आगे की वीडियोस में हम जानेंगे व्हाट इज़ मोटिव एंड हाइपरबेशन एंड ह्यूब्रिस, और भी बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में। आगे की वीडियोज़ में हम स्टडी करते रहेंगे। सो मेक श्योर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक दिस वीडियो। स्टडी में आपकी हेल्पफुल रही है वीडियो, तो लाइक कीजिएगा और शेयर दिस वीडियो विथ योर अपने अदर क्लासमेट्स के साथ में भी इसको शेयर करिए।
और कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।